हर चीज़ की तलाश बाहर करना चाहते हैं। गुरु बार बार अंतर्मुख करता है। अब घर सुख वस्या तो बाहर सुख होया, जिसके भीतर सुख है बाहर उसको सुख ही सुख है, और जिसके अंदर सुख नहीं है बाहर उसको कितना ही आप सुख के साधन दे दोगे वो अपने स्वभाववश दुखी रहेगा ही रहेगा। कईयों की आदत होती है नेगेटिव अप्रोच होती है, वो हर बात में से कुछ ना कुछ ढूंढ निकालते हैं नेगेटिव। यही आदतें पहले हम लोगों की भी थी, नेगेटिव ढूंढ लेते थे, दुखी होते थे। अब घर वही, परिस्थितियां वही, परिवार के लोग वही, फ़र्क क्या है? फ़र्क आपके विचारों में, और कोई बात ही नहीं, सिर्फ आपके ख्याल ही तो बदले हैं ना। अब जहाँ अशांति फील होती थी वहीं शांति फील होती है। और अज्ञान में सब लोगों ने क्या बना रखा है, अगर घर में अशांति महसूस हो शांति पाने के लिए जंगल चले जाओ, घर में अशांति महसूस हो घर छोड़ के चले जाओ। और दादाजी ने बोला मैं स्वर्ग तुम्हारे कदमों तले ले आऊँगा। बोला था दादाजी ने कि तुम्हें किसी झूठे स्वर्ग की कल्पना में मैं नहीं रखूँगा, पर मैं स्वर्ग तुम्हारे कदमों तले ले आऊँगा। ये उनका ज्ञान है। कैसे? कि जहाँ आप बैठे हो आप उन्हीं परिस्थितियों में अपनी शांति खोजो। अब अशांति हो क्यों रही है? आप बार बार ब्लेम कर रहे हो दूसरों को। बेटा अशांति कर रहा है, पति अशांति कर रहा है, फलाना अशांति कर रहा है। गुरु ने कहा तेरे ख्याल अशांति कर रहे हैं। वो तो अपने अपने स्वभाव में जैसा भी है चल रहे हैं। तुम्हें असर होता है, ये तुम्हारी कमजोरी है। अब स्थान थोड़ी बदलने से फायदा होगा। हम सोचते हैं हम जगह बदल लें, यहाँ से वहाँ चले जाएं, वहाँ से वहाँ चले जाएं। समझो आप कहते हो मैं घर में दुखी हूँ, अच्छा मैं यहाँ आके रह जाऊँ। अच्छा रह जाओ, फिर यहाँ सुखी हो जाओगे? वहाँ आपको बहु बेटियों के कर्म दिखते थे, यहाँ सत्संगियों के दिखेंगे। आपकी आदत है, आप एडजस्ट नहीं करते थे, आप यहाँ भी एडजस्ट नहीं करोगे। सीधी बात है, जो अपने घर में एडजस्ट हैं वो यहाँ भी एडजस्ट हैं। और मान लो आप बाहर कहीं जाके एडजस्ट हो भी गए, रहना तो आपको अपने ही घर में है, तो शांति तो आपको वहीं ढूंढनी है ना। तलाश गलत जगह कर रहे हो। आपका मन बार बार परिस्थिति बदलना चाहता है, और गुरु कहता है परिस्थिति बदलना ऐसा है कि कोई पैर का कांटा ना निकाले और जूते बदलता जाए, क्या उसको आराम मिल जाएगा? पैर में कांटा हो बिना जूते के चलने में भी तकलीफ होएगी। जूते को तो छोड़ ही दो, पैर में कांटा चुभा हुआ है तो चप्पल ना भी डाली हो ना, समझो एड़ी में चुभ जाए कांटा, तो पंजों के बाहर चलने की कोशिश करते हैं कि पैर नीचे लगते ही और चुभेगा मेरे को। तो जूते तो बाद की बात हुई, पैर ही नहीं ज़मीन पे रखा जाएगा जब तक के कांटे को निकाला ना जाएगा। बात है कांटा निकालने की, और हम कर रहे हैं जूते बदलने की कोशिश, इसी से गड़बड़ हो रही है। अगर हम बार बार परिस्थितियां बदलने की सोचें और ये सोचें कि परिस्थिति बदल के शांति हो जाएगी, ये गलतफहमी है। कई बच्चे आते हैं ऑफिस वाले, पॉलिटिक्स है, ऐसा है, वैसा है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करोगे, या तो नौकरी करो नहीं, बाकी जहाँ जाओगे ये सब चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी, कुछ कर ही नहीं सकते। हम सोचते हैं हम बदल लें, क्या बदलें? दायरा बदल लेने से कुछ हो नहीं जाएगा, स्वभाव बदल लो। जिस दायरे में बैठे हो वहीं खुश हो सकते हो, जहाँ मर्जी जाओ छोड़ के। अब घर छोड़ के आप जंगल चले जाओ,
या तो आपको चार कमरे वाले घर की सफाई है, दो कमरे वाले घर का रख रखाव है, वहाँ झोंपड़ी की नहीं होगी। यहाँ पर अगर ये कपड़े हैं तो वहाँ पर क्या लंगोटी नहीं चाहिए? यहाँ खाना पीना है तो क्या वहाँ भूखे रह जाओगे? जॉब नहीं करोगे, मधुकरी मांगोगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इंसान की सोच ही उल्टी है, वो बार बार सोचता है मैं हालतों से भाग लूं। फेस करना सीखे, भागने से तो कुछ होने का नहीं है। समझो आप सोचो, मायके में लड़की होती है ना, शादी हो जाए ना, आज़ाद हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। शादी हो गई तो रोज़ मायके की याद आती है। सब लड़कियों का रुझान मायके की तरफ रहता है, क्यों? चैन तुम्हें वहां भी नहीं है, चैन तुम्हें वहां भी नहीं है। फिर रह जाए 15 दिन, फिर नहीं पति अकेला है, बच्चे अकेले हैं, एक रात नहीं रह सकते, फिर तो क्या करोगे? जहां हो वहीं अपनी खुशी ढूंढो ना। ऐसा करते रहने से बंदर की तरह इस डाल पे जा, उस डाल पे जा, उधर जा, उधर जा, कोई सोल्यूशन थोड़ी निकल आएगा। डालियां बदलते हैं सब लोग, और गुरु कह रहे डालियां मत बदलो, स्वभाव बदली करो अपना। डालियां क्यों बदलते हो? एक डाल से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ना ये किसी चीज का सोल्यूशन है। हालतों से भागना थोड़ी होता है, वहीं जागना होता है, वहीं जाग के जीना होता है। और आ जाए हम लोगों को रमज, तो हम वहीं खुश होके बैठ सकते हैं। थोड़ा सा अपने स्वभाव पे कंट्रोल करना पड़ता है, थोड़ा सा सामने वालों को समझना पड़ता है, अपना मन मोड़ लेते हैं, इतना ही है। समझ हमको होनी चाहिए ना, कहाँ पर क्या पसंद किया जाता है, कहाँ क्या नहीं पसंद किया जाता है। अब घर में ही देखते हो कई बार चार रिश्तेदार ही आ गए, अब आप अपना सत्संग बिखेर बैठते हो। आपको पता है आपके घर के लोग नहीं पसंद करते, उनके सामने बोलो ही मत, उनको आपस में करने दो व्यवहार की बातें, आपने क्या करना है? कोई आवश्यकता है? बोलते हो फिर चार सुनते हो, फिर कहते हो मैं दुखी हुआ, गलती आपकी है, आपने समय देख के क्यों नहीं बोला, विचार से क्यों नहीं बोला, जहां आवश्यकता नहीं है वहां क्यों बोला? मौन धारण करो। चीजें कई ऐसी हैं जिनके लिए अगर थोड़ा सा अपने को बदल लिया जाए तो उलझन खत्म हो सकती है। जरूरी नहीं होता कि हर परिस्थिति को बदलने की कोशिश की जाए, भागने की कोशिश की जाए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दादाजी ने क्या बोला है, चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड, कि अगर आप अपने आप को बदल लोगे तो आपको दुनिया बदली हुई समझ में आ जाएगी। दुनिया बदलेगी नहीं, पर अपने आप को बदलने से दुनिया बदली हुई महसूस होगी। बात यह है, हम फिर एक उम्मीद कर लेते हैं कि अगर हम बदलेंगे ना, शायद साथ में दुनिया भी बदल जाएगी। ये उम्मीद गलत है। दादाजी का मतलब है, अपने को अगर बदल लेते हैं दुनिया बदली हुई दिखती है। हमको अब वो रूप नहीं दिखता ना, हमको असर नहीं करता, हम उलझते नहीं, हम परेशान नहीं होते, तो हमको बदली हुई लगेगी दुनिया। और हम नहीं बदले, समझो सारी दुनिया बदल भी गई, तो भी तो हम तकलीफ में ही रहेंगे। सारी दुनिया के बदल जाने पर भी हमको कौन सी शांति हो जाएगी, क्योंकि हमारा मन अपनी इच्छा के अधीन है, हमारा अपना एक संसार है,
हम अपने उस संसार के गुलाम हैं, हम अपने अंदर उलझे हुए हैं बातों से। सोचम ये रहे हैं कि शायद परिस्थिति बदलने से मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा, जीवन में कई बार महसूस किया होगा, बदली भी होंगी हालतें, आपने सोचा होगा बदली भी होगी, लेकिन फिर भी तो परेशान हुए, उसके बाद नहीं परेशान हुए, उसके बाद नहीं दुखी हुए। स्वभाव है, जैसे वो बोगड़ी वाला था, अब वो कहता है भगवान मेरे को मिठाई की दुकान हो जाए, फिर कपड़े की दुकान हो जाए, फिर सोनार की दुकान हो जाए, फिर राजा बन जाऊं। राजा बन के भी लास्ट में कहता है भगवान मैं तो बोगड़ी वाला ठीक था, इतना सारा कुछ चेंज किया, शांति मिली? क्यों नहीं मिली? अपनी इच्छा को जीत लेता, अपने भक्त भाग में खुश हो सकता था। जब हमारा मन कोई इच्छा करता है तो हम ये सोचते हैं शायद इस इच्छा की पूर्ति में मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी, मैं मौज में आ जाऊंगा, क्योंकि उसके पिटफॉल्स तो पता नहीं होते। अब उसको लग रहा है मैं धूप में खड़ा होके चने बेचता हूँ, ये हलवाई की दुकान बहुत अच्छी है, ये अपना मिठाइयाँ बनाता है बेचता है, किलो के हिसाब से मिठाई जाती है, मेरे तो चने भी 100 ग्राम 50 ग्राम, कई बार कोई 10 रुपए के लेने आ गया, 5 रुपए के लेने आ गया, बढ़िया है। वो तो जब हलवाई बना तो पता चला बिल्ली दूध पीती है, जो मिठाइयाँ बच गई वो सुबह तक खराब हो जाती हैं, रेफ्रिजरेटर का ज़माना नहीं था, फिर पता चला वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक मिठाई थोड़ी सी तेज मीठा हो गया, कम मीठा हो गया, थोड़ा दूध लग गया, सारी बेकार, कोई खरीदना ही नहीं चाहता, खाना ही नहीं चाहता, लोग लड़ने आ जाते हैं, मक्खियाँ तंग करती हैं, बाद में पता चला। उस समय तो सिर्फ अच्छा अच्छा दिख रहा है, इंसान जब किसी भी सांसारिक इच्छा की तरफ बढ़ता है उस समय वो अपने सामने बड़ा पॉजिटिव पक्ष रखता है, लेकिन जब घुसता है तो पता चलता है भाई अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी तो है, वो इग्नोरेबल नहीं है, वो आएगी आएगी, सुख मांगत दुख आगे आवत, आएगी। कोई भी व्यक्ति को आप इनवाइट करो उसकी शैडो तो साथ आएगी, बिना शैडो के आ सकता है वो? आप किसी को मैसेज दो आप आइए, परछाई ना लाइएगा साथ, सुख दुख एक दूसरे की परछाई है, संपदा आपदा एक दूसरे की परछाई है, एक आता है तो दूसरा आता ही आता है, एक के साथ दूसरे का पहुंचना होता ही है। हमको वो पक्ष नज़र नहीं आता, हमको लगता है नहीं वो लोग अच्छे। अभी यहाँ बैठ के फ़ौरन की बातें करें आपसे तो आपको लगेगा हाँ किस्मत वाले लोग बाहर देशों में रहते हैं, ऐसे होते हैं। अरे आओ जरा एक दो महीना, बच्चे चले जाएं ना, फिर जाना पड़ता है, मेरा तो मन ही नहीं लगा, वहाँ तो कोई बोलने वाला ही नहीं, लोग ऐसे लोग वैसे, दूर दूर घर हैं, यहाँ तो हमारे बड़ा अच्छा है। फिर याद आती है, अब परिस्थिति बदल के आए स्वाद, 4 दिन घूमने जाना, 4 दिन का चेंज अच्छा लगता है, लेकिन आपको बिठा दिया जाए महीना दो महीना, शिफ्ट कर दिया जाए, फिर आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है ना। तो ये खाली हमको ना एक फेज़ नज़र आता है, क्योंकि हम सुनते हैं बातें, वहाँ बड़ी सफाई है, वहाँ बड़ा ऐसे है, वहाँ बड़ा ऐसे है, चलो चलते हैं जाओ, लेकिन जाके पता चलता है कि क्या हिसाब किताब है वहाँ पर, ऐसे तो नहीं पता चलता। एक बेचारे गए बच्चों के पास, बोला वो रोटी नहीं बनाते, वहाँ तो वो खाई जाती हैं, ब्रेड्स मिलती हैं जो, बोला निकालते हैं माइक्रो करते हैं खा लेते हैं। बोले मैं कहूँ रोटी? बोले एक दिन तो थोड़ा सा आटा ला दिया ऐसे, बोला बना लो अच्छा खा लो। बोले बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया, सारी रसोई गंदी कर दी, ये क्या आटा फैला दिया, ये
अब हमारा इंडियन खाना बनता है तो रसोई फैलती है, और उन लोगों की रसोई में तो कुछ है ही नहीं। दूध निकाला, फ्रिज से पी लिया, माइक्रो में गर्म कर लिया, सारा खाना माइक्रो में गर्म हो गया, पैक्ड फूड होता है सारा, पता चल जाता है जाके। एक रोटी का भी सुख नहीं है, ताज़ा फुल्का इंसान खा ले, महीने से पैक्ड है, 2 महीने से पैक्ड है, खाओ वही बासी चीज़ें, जाके पता चलती हैं ना चीज़ें। सुख तो हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, केवल सुख हैं। अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से हम लोग हिले हुए हैं, कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं, चाहे कितना सुख होवे कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना। कभी कभी देखो होटल वगैरह में फंस जाते हो, वहाँ नहाने के लिए सिर्फ बाथ टब होता है, वहीं शॉवर है, वहीं सब कुछ है। अब है तो बड़ा अच्छा 5 स्टार होटल है, चलो चढ़ो नहाओ, अब वो टब में घुसना ही मुसीबत है, देखा है ऊंचा होता है, कैसे चढ़ो तुम, पकड़ पकड़ के चढ़ते हो, नहाते हो, फिसलने का डर लगता है। कॉम्प्रोमाइजेस तो हैं। अब तुम्हें आदत ना हो शावर से नहाने की, तो वहाँ बाल्टी डिब्बा तो है ही नहीं, फंस जाते हैं ना कई लोग होटल में जाके, भाई बाल्टी डिब्बा ही नहीं था वहाँ पर। तो कॉम्प्रोमाइजेस हैं या नहीं है? लाइफ ऐसी है ही नहीं कि स्मूथ चले। स्मूथ अपने को रखो, लाइफ स्मूथ चलती है। आप कोशिश में क्या रहते हो? परिस्थितियों को स्मूथ करें। आप पूरा टाइम इसी कोशिश में अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हो, हालतों को स्मूथ करने के चक्कर में, और वो होती नहीं, फिर परेशान होना पड़ता है अल्टीमेटली। बेटर है दादाजी की तरह बनूं। वो कहते हैं तुम्हें लगता है मेरी प्रकृति सुलभ है, पर असल में मेरा स्वभाव सुलभ है। दादाजी ये बात करते हैं कि आप कहते हो दादा की प्रकृति सुलभ है, बोला मेरा स्वभाव सुलभ है। अब प्रकृति में तो है ही ना हेर फेर, जहाँ 4 लोग होते हैं हलचल तो होती है। अब हम सुनते हैं भाई दादाजी माथेरान गए, एक दिन पानी गिरा हुआ था, दादा पोचा ले आए, पैर से लगाने लगे, झुक नहीं सकते थे उस टाइम, सुनते हैं बात। तो ये प्रकृति सुलभ हुई ना, वरना क्रोध का कारण तो है, लापरवाही तो लोग करते हैं। एक बार तो सबने अपने अपने कमरे की सफाई कर ली, सत्संग का हॉल छोड़ दिया, दादाजी झाड़ू उठा के लगे सफाई करने, कारण आते होंगे ना सामने। आज हम कह रहे हैं दादाजी का आदर्श है, पर सोचो ना, स्वभाव सुलभ है तो क्रोध करने के बजाय काम कर लेते हैं चुपचाप, वरना कारण तो है। या हम सुनते हैं वो जो अपाहिज औरत चलती थी, दादाजी उसका वो टॉयलेट वाला पॉट भी साफ कर आते थे, चेयर पे बैठती थी वो, तो दादाजी जाते थे अंदर तो उसका पॉट भी साफ करके धो के रख आते थे। तो मतलब है ना लापरवाही, कारण तो है ना। महापुरुषों के आगे भी कारण तो बनते ही हैं, पर वो उन कारणों पर जीत पा लेते हैं, वो उन कारणों को अपने अच्छे स्वभाव से बना लेते हैं, इशू नहीं बनने देते चीज़ों का, तो उनके लिए जैसे हालत आई नहीं। लेकिन है तो सही ना, आप ज़िंदगी में ये मत सोचना कि आपको बैलेंस करके नहीं चलना पड़ेगा। सारी साइकिल ठीक है, लेकिन चलाते वक्त ही बैलेंस बनाना पड़ता है। साइकिल एकदम ठीक है, पहियों में हवा भी है, हैंडल भी टेढ़ा नहीं है, नई साइकिल भी है, चेन भी बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, फिर भी लोग गिर जाते हैं जिनको बैलेंस नहीं बनाना आता। अभी तुम्हें साइकिल दे दें सब थोड़ी चला पाओगे, स्कूटर दे दें चीज़ तो ठीक है, पर बैलेंस बनाना तो सीखना पड़ता है। जीवन में भी बैलेंस बनाना सीखना पड़ता है। नहाने जाते हो, तुम्हारे बाथरूम में भी डाइवर्टर है, बैलेंस करना पड़ता है, गर्म और ठंडा वो बीच में कहाँ रखना है हमने सेट करके, कितना गर्म चाहिए कितना ठंडा चाहिए, मिक्स करके बैलेंस तो करते ही हो। लाइफ यही है, बैलेंस करके चलो, ये ना सोचो हालत बदल जाए,
एक ये मनौती मान के बैठा है ना मन, ये हालत बदल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फलानी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये आपका मन एक मनौती मान के बैठा हुआ है, जबकि उससे काम नहीं बनेगा। आपको अपना ये विचार बदलना पड़ेगा। दूसरों से देख के रीस क्यों होती है? आप वैसी परिस्थिति चाहते हो। हर कोई कल्पना में बहुत जीता है, अगर मेरी हालत भी फलाने जैसी हो जाए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, सब इसी दिमाग पे चलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पिक्चरों में तो हो सकता है, रियल लाइफ तो अलग है। भले तुम कल्पना करो, हम नौकरी करेंगे, फिर हम नौकर रखेंगे, फिर हम ड्राइवर रखेंगे, रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। कमा के भी आना पड़ता है, फिर खाना भी बनाना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, पढ़ाना भी पड़ता है, रियल लाइफ तो कुछ और है। कल्पना कुछ ही करे जाओ, कल्पना में मत जियो ना, अपने जीवन को समझने की कोशिश करो। परमात्मा ने इसमें सुख तो डाला है, लेकिन अगर ख्यालों पर कंट्रोल ना हो तो उस सुख को अनुभव नहीं कर सकते। ये फर्क वाली बात जरूर है बीच में। अगर हम अपने ख्यालों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, या कह लो हम अपने मन को बैलेंस नहीं कर पाते, तो हम बाहर हालतों में भी बैलेंस नहीं फील करते हैं। पर अगर हम अपने मन को बैलेंस करना सीख जाते हैं, हालतें तो सारी बैलेंस हो जाती हैं। इम्बैलेंस भी कहाँ है? परिस्थितियों में नहीं है, मेरे मन में इम्बैलेंस है, मुझे फील होता है। अब परमात्मा की ओर से जो हो रहा है वो तो सही है, आपका मन दिखाता है ये गलत, क्योंकि आपकी इच्छा अनुसार नहीं। गलत आपने कहा ना, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। और परमात्मा तो गलत कर नहीं सकता, गॉड कैन डू नो रॉन्ग, ईश्वर की तरफ से आ रहा है मतलब ठीक है। फिर अब गड़बड़ कहां पर है? हमारी सोच में। हम ख्याल ऐसा कर रहे हैं, बात ऐसी सोच रहे हैं, विचार हमारे ऐसे हैं जो हमको बार बार अंदर परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो जो मन तो साथ चलेगा ना, चाहे जंगल में भी चले जाओ, मन तो साथ चलेगा। ये यहां भी दुखी करता है, ये वहां भी करेगा, ये कहां छोड़ देगा? यही मन है, यही अभिमान है, ये साथ जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं आप ना भी पैक करो तो भी आपके साथ चलती हैं। आप मन को पैक थोड़ी करते हो कहीं भी जाने के लिए, पर ये चलता है। ईगो को पैक थोड़ी करते हो साथ जाने के लिए, पर ये चलती है। ये अपने आप ही आपके साथ चल बैठते हैं कि भैया हमने तो जाना ही जाना है इसके साथ। कोई स्थान होवे जहां ये चीजें ना चलती हों, बताओ, चलेंगी। जब मन साथ है कहीं भी पहुंच जाओ। शिखी ध्वज राजा जंगल पहुंच गया, अब वो पहुंची रानी चुड़ैला कुंभज ऋषि के वेश में, कहता है मेरे पत्थर पर क्यों बैठे हो महात्मा जी, कौन हो आप? उसने कहा इतना बड़ा राज छोड़ा या पत्थर तेरा। एक सोच के देखो बात, ऐसे हम बहुत त्याग की बात करते हैं, पर पता नहीं कहां कहां क्या क्या ग्रहण किया हुआ है, बहुत सूक्ष्म में, बहुत सूक्ष्म में जतलाया गया तो होश आया, हां सही तो बात है पत्थर मेरा।
निकला ही मुंह से यही आप में, नहीं शायद बात भी ना करता, पर वो मेरे पत्थर पर बैठा है इसलिए मुझे बात भी करनी है। महात्मा जी आप कौन है, मेरे पत्थर पे क्यों बैठे हैं? ऐसे तो त्याग बहुत है, रानी छोड़ाया, राज्य छोड़ाया, धन पदार्थ छोड़ाया, ये मेरापन कहीं भी आ जाता है। शायद बच्चों को भूल जाओ, एक कुत्ता मेरा हो जाए, नौकर मेरा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। सत्संग में ही आ जाओ, कहीं की कुर्सी फिक्स है, आके अपनी कुर्सी के पास खड़े ही हो जाते हैं। जो बैठा, और एक आज कोई बैठा है तो क्या हुआ, तुम कहीं और बैठ जाओ। वैसे शादी में, पार्टी में, रेस्टोरेंट्स में 10 जगह जाते हो, जाते हैं ना 10 जगह, सब जगह ऐसे कंफर्टेबल चेयर होती है क्या? कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो एक दिन, भाई हम देरी से आए, कोई बैठ चुका था, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जाके वहां खड़े हो जाएंगे उसके पास, मेरी कुर्सी, वैसे मेरा कुछ नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, पर मेरी कुर्सी, बहुत कुछ ऐसे मेरा रहता है अंदर सूक्ष्म मन में, क्योंकि उसको कोई छेड़ नहीं रहा तो हमें लगता है शायद मेरापन नहीं है। उसको आज तक पत्थर को छेड़ा नहीं ना किसी ने, तो उसको लग रहा था शायद आसक्ति नहीं है, और पत्थर ट्रेडमार्क हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, अब हटेगा नहीं वहां से, मेरा पत्थर। तभी जब पूछा उसने कि मैं मुक्त कैसे हूं, मेरा कल्याण कैसे होए, तो उन्होंने बोला बस तेरे अंदर एक ही बात है कि आसक्ति है। अब बोला आसक्ति किस में, पत्थर तुमने छुड़वा दिया, ये लो डंडा, तुम भी सब फेंकने लगा उठा उठा के। बोला अब तो मैं सर्व त्यागी हो गया, क्योंकि उसने बोला राजा तू सर्व त्यागी नहीं है, सब चीजें जो पास में थी पानी में डाल दी, नदी में। बोला अब मैं हो गया सर्व त्यागी? बोला अभी नहीं, तो देखा भाई मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, एक लांगोटी है, वो भी खोल के फेंक दी नदी में, अब मैं हो गया सर्व त्यागी? बोला अभी भी नहीं। बोला फिर शरीर को मार डालूं फिर हो जाऊंगा? बोला फिर भी नहीं। बोला आखिर फिर कैसे होऊंगा? बोला मैं का त्यागी सर्व त्याग है, जब मैं तेरे पास है तो तू सारा संसार ही ग्रहण करके बैठा है, त्याग की तो सिर्फ बातें कर रहा है। तू कह रहा है कि मैंने ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, पर असल में मैं का त्याग ही सर्व त्याग है। मैं छूटी तेरी, मैं नहीं छूटी तो फिर बात नहीं बन सकती, सबसे पहले तेरी मैं छूटनी चाहिए, तो ये मैं तो साथ चली ना। अब वहां कहता था मैं राजा, यहां कहता है मैं सन्यासी, वहां कहता था मेरे पास ये मेरे पास वो, यहां कहता है मैंने ये भी छोड़ा वो भी छोड़ा, कहानी तो वही है, विचार करो कहानी वही है, हालत तो बदल गई है, मन तो किसी ना किसी अति में जी रहा है। क्या मन ने अतियां छोड़ी? मन ने तो अति नहीं छोड़ी ना, मन तो अतियों में चल रहा है, चाहे उधर चाहे उधर, विशेषण बदल गया, मैं तो नहीं बदली। पहले कहता है मैं राजा, अब कहता है मैं सन्यासी, मैं तो वही है। वहां कहता था मैंने ये संग्रह किया, यहां कहता है मैंने ये छोड़ दिया, त्याग कर दिया, वहीं का वहीं है। अब ये सुजाग गुरु पकड़ सकता है, और भागा भी वहां से शांति की तलाश में। आखिर 12 साल भटक के भी शांति नहीं मिली,
रानी वापिस लेके गई राज्य में, ज्ञान सुनाया वहाँ लेके गई। वहीं रहते हुए ये स्थिति बनी कि जब उसने परीक्षा ली, एक मायावी पुरुष रच के सो गई उसके साथ। ये कमरे में आया, देखा, वापिस मुड़ गया। फिर भागी इसके पीछे, तुझे क्या लगा? बोला कुछ नहीं, मुझे लगा तेरा आनंद तेरे साथ, मेरा आनंद मेरे साथ। तो अब ये स्थिति कहाँ रह के बनी? घर में ही रह के बनी ना। जहां आसक्ति थी वहीं निरासक्त योग पक्का हुआ। जहां सुख दुख मानता था वहीं कहता है तेरा आनंद तेरे साथ, मेरा आनंद मेरे साथ। तो क्या उसको भागने की आवश्यकता पड़ी? भागे हुए को तो वापिस लाया गया। घर चल, ज्ञान में स्थिति वहीं बनेगी तेरी। वहीं आत्मज्ञान से तृप्त हुआ। जंगल में इतना कठिन साधनाएं करके भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। देखो जब अति होवे ना स्वभाव में, तो जब ये माया की तरफ होते हैं ऐसे लोग तो अतियों में, और अगर वैराग्य की तरफ जाते हैं तो अतियों में। बुद्ध का क्या हाल हुआ? पहले मायावी सुख में इतना लिप्त अति, फिर जब त्याग पे आया तो अति, फिर पवन आहारी भी हो गया, अन्न के एक दाने पे भी जी लिया। पर ये दोनों अतियां गलत हैं, यही उनको समझ आया। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग का ज्ञान बताया। इंसान का स्वभाव है ना अति वाला, वो जहां लुढ़कता है अति में लुढ़क जाता है। बैलेंस ही तो नहीं आता उसको करना, अति में बहता है। जहां गया वहीं अति, जहां गया वहीं अति। अति नहीं, ठहराव होना चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए। ग्रहण किया तो इतना कि लोगों का भी लूट के खा लो, त्याग किया इतना कि शरीर को इतना कष्ट दे दो, इतना कष्ट दे दो। बुद्ध के पास एक शिष्य भी आया था ऐसा, पहले राजा, विलासी राजा, इतना भोग विलास में लिप्त कि सीढ़ियों में रेलिंग की जगह नग्न स्त्रियां खड़ी रहती थीं, उनको पकड़ पकड़ के चढ़ता था सीढ़ी भी। इतना विलासी राजा था, सारा दिन नशे में डूबा रहता था। और जब आया बुद्ध के पास, सारे छाया में बैठे तो धूप में बैठे, आराम करने का समय हो तो पत्थर कूटे, सब सोए तो ये जागे। तब बुद्ध ने भी उसको समझाया, बोला ये फिर तू अति कर रहा है, यहां पे शरीर को इतना कष्ट काहे को दे रहा है? पहले इसको इतने सुख दिए, अब इसको इतनी तकलीफ दे रहा है। ये एक नेचर है कि हम लोग अति में चलते हैं, या उधर अति कर देंगे या उधर अति कर देंगे। कई लोग बहुत प्रसन्न होते हैं ना, जिस दिन बिना विचारे खाए जाएंगे, ठूस लिया पेट में, पर जिस दिन कोई बात आ गई दिमाग में उस दिन बिल्कुल अनशन पे आ जाएंगे। सुबह नाश्ता भी नहीं खाया, दोपहर को लंच भी नहीं खाया, रात को डिनर भी नहीं खाया, अति चल रही है, अब बैलेंस नहीं। और शरीर दोनों अतियों से बेचारा परेशान होता है। अति खिला देते हैं तो भी दुखी होता है, नहीं खिलाते हो तो भी कभी इसको चक्कर आते हैं, कभी कुछ आता है तो भी परेशान होता है। तुम्हारे अति के स्वभाव से तुम्हारा जो परम साथी है शरीर, ये भी दुखी होता है। अति इसको बहुत तंग करती है। भला ना अति का बोलना, भली ना अति की चुप। बहुत बोलना अच्छा नहीं है तो बहुत चुप भी अच्छी नहीं है। बैलेंस होना चाहिए। सब इम्बैलेंस में रहते हैं, खाया तो बहुत खा लिया, नहीं खाया तो बिल्कुल नहीं खाया, सोए तो बहुत सो लिए, जगे तो बहुत जग लिए, उससे शरीर भी खराब होता है। भागने की थोड़ी जरूरत है, समझने की जरूरत है। बाहर से कुछ करने की थोड़ी जरूरत है, सिर्फ होता हुआ देखने की जरूरत है।
हम वहीं से अपना ट्रैक गलत कर जाते हैं, गड़बड़ कर लेते हैं, क्योंकि हम बैलेंस वाली बात को समझते ही नहीं। तो उसमें तो फिर नुकसान ही है ना। अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, इसका मतलब अब जबान पे कंट्रोल नहीं है तो खाने के मामले में गड़बड़, निद्रा पे कंट्रोल नहीं है तो जागृति में मुश्किल आती रहती है, मुश्किलें सारा टाइम। एक जगह सत्संग शुरू किया जेंट्स लोगों ने, किसी के घर में सर्दियां थी तो उन लोगों को, ज़्यादा लोग थे घर में, तो कॉर्नर का एक रूम था, उसमें वो दो तीन भाई अपना नीचे बिस्तर लगा के सोते थे। हमसे पूछा, मैंने कहा तो सब आएंगे ये नीचे बैठ सकते हैं, एक सोफ़ा भी रखा था वहाँ, मैंने कहा आप लोग यहीं पर ही सुबह सुबह, बोले हम 6 बजे सत्संग रखें, रख लो। थोड़े दिन में पता लगा वो रजाइयाँ भी नहीं हटाते, जो आता है वो अपना रजाई लेके बैठ जाता है। ये सत्संग है? इतना आलस्य, ये कोई सत्संग है क्या? अपना वहीं सबने रजाई ली, अब कितना सत्संग सुनते होंगे और कितना ऊँगते होंगे। अभी तो रजाई गद्दा ना दो तो ऊँगते हो, रजाई गद्दा और मिल जाए, दीवार का सहारा और मिल जाए, सत्संग होएगा क्या? वो इंसान की सुख की प्रकृति, अरे तुम थोड़ी सी ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते? अच्छे से पहन ओढ़ के आ जाओ, स्वेटर कोट पहन लो अपना ठीक से, एक्टिव होके तो बैठो, ठीक से मुंह हाथ धो के जाओ, स्नान करके जाओ। अलसाए अलसाए पहुंच गए, उबासियां आ रही हैं, बैठे हैं, क्या मजा आएगा? कई लोग योगा करते हैं बिस्तरे में बैठे बैठे, उठ के बैठ गए अपनी बिस्तर पे, आंखें खोली नहीं, दिखावे के लिए यूं 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 हाथ कर लिए। भाई योगा का कोई इफेक्ट तो दिख नहीं रहा, वो योग नहीं है, है तो भोग है, तो भोग, वो योग तो है ही नहीं। हमारे यहाँ भी आते हैं ना लोग, जिनको सुबह भजन की क्लास में उतरने का आलस, उठें मुंह धोएं उतरें, नहीं हमको एक्सरसाइज करनी, एक्सरसाइज करनी। हम कभी कभी उसमें देखते हैं कैमरे में तो दिखता है एक्सरसाइज कैसी करते हैं ये लोग, वहीं बैठे हैं अपने बिस्तर पे जबकि आँख आ रहे हैं, आँख तो खोली नहीं पूरा टाइम, योगा हो भी गया और देखा जब सारे उतर गए योगा होगा किसने करना है, तानो रजाई सो जा। हम अभी लेटे अभी लेटे, अभी तक तो हम एक्सरसाइज ही कर रहे थे, झूठ और कपट और अपने शरीर से दुश्मनी और अपने चरित्र से दुश्मनी और अपने जमीर से दुश्मनी और गुरु के अपराधी और परमात्मा के अपराधी और, देखा तुमने ये अतियों वाले की हालत, जिसका नियंत्रण नहीं है अपने ऊपर। और ज्ञान सीधा सीधा कहता है ये शरीर है नगरी और तुम इस काया नगरी के हो राजा, ये पूरा तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। तुम्हें योगा करना है, तुम बिस्तर छोड़ के साइड जाओ, बिस्तर हटा दियो बिल्कुल, दोबारा लेटने की गुंजाइश भी ना हो, फिर करो, पता चलता है। ये बैलेंस, ये इम्बैलेंस बना रखा है तुमने, पूरी लाइफ में इम्बैलेंस है। जगने के समय सोएंगे, सोने के समय जगेंगे, रात को देर तक मोबाइल क्यों ऑन है भाई, क्यों क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा, सब तरफ से मन हटा के भगवान में रखो, हटा दियो इसको भी बाहर के सब साधन हटा दो, शरीर को ही भूलने का साधन भी क्या करना है, अंदर ही अंदर भगवान से तार जोड़ लो, कभी भीतर से भी बात करो, हर टाइम बाहर का साधन थोड़ी चाहिए। अब सोने के समय जगेंगे, सुबह जब सब जग जाएंगे फिर नींद आएगी, फिर सोएंगे, है ना, जीवन में गड़बड़ है।
अब तुम कहो कि हालतें खराब हैं, कोई मेरे को टोकता है, कोई मेरे को कहता है, तो क्या तुम्हारी रहनी खराब नहीं है जो किसी को बोलने पे मजबूर होना पड़ता है? तुम्हारा आचरण गलत नहीं है? फिर पहले आचरण गलत है, फिर ऊपर से ना मानने की बीमारी है, बहस करने की आदत है, मानना नहीं है किसी को, सुनना नहीं है किसी को, तो अब हालतें ऐसा व्यक्ति कितनी बदलता जाए। चलो गुरु के पास परेशान हो जाओ, जाओ अपने घर चले जाओ, तुम दो चार दिन से ज़्यादा वहाँ भी नहीं टिक पाओगे, क्योंकि चार दिन तो कोई प्यार करेगा, आए हैं गुरु के पास से आए हैं, पांचवें दिन तो समझने लगेगा ना प्रकृति तुम्हारी, दुखी तुम वहां भी हो जाओगे। जो व्यक्ति सेट है वो हर जगह सेट है, जो अपसेट है वो हर जगह अपसेट है, ये बात समझ लेना। जो सही होते हैं ना अपने नेचर से, हर जगह सही हैं, चाहे अपने घर में हों, चाहे गुरु के पास हों, सब जगह सेट हैं, और जो अपसेट हैं वो कहीं भी फिट नहीं होते हैं। अब ईंट टेढ़ी है तो ये थोड़ी है कि घर में नहीं लगेगी और मंदिर में लग जाएगी, मिस्त्री के तो हाथ में आते ही टेढ़ी ईंट वो साइड फेंकेगा, दीवार टेढ़ी हो जाएगी, भाई हटाओ इसको यहाँ से, नहीं यूज़ करेगा। जब हमारे स्वभाव टेढ़े हैं, जगह हम कितनी अच्छी ढूंढ लें, क्या हो जाएगा? अपना स्वभाव सही करो, जगह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जहाँ बिठा दो ज्ञानी वहीं मस्त है, जहाँ बिठा दो ज्ञानी वहीं खुश है, उसको किसी से ना शिकायत है ना उलझन है, ना शिकायत है किसी से ना करता खुद शरारत है। जो मंजिल पर पहुंच जाता मिट्टी भटकन की आदत है, शिकायत किसी से है नहीं, अपना शरारत का स्वभाव नहीं है, मतलब गलत चलता ही नहीं है, तो उसको क्या दिक्कत आएगी कहीं पर भी? दिक्कत तो हर एक को वहां आती है जहां उसके अपने स्वभाव में दोष आ जाता है। अपने स्वभाव का दोष मिटाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहने वाला, सिमरन करने वाला प्रहलाद जैसा, बिच्छुओं के बीच, काल कोठरी में, सांपों के बीच, उसका तो वहां भी सिमरन चलता है, वो वहां भी आनंद में रहता है। उसने बोला भगवान यहां से निकालो तो सिमरन करूंगा, वो तो वहां भी सिमरन कर सकता है। अपने स्वभाव में खोट ना हो, जहां बैठो ज्ञानी को एकांत में बिठा दियो, उसके पास बहुत सारा काम है अपना, वो बोलता है शुक्र हुआ आज अकेले हुए, किसी को चिट्ठी लिखें, कोई डायरी लिखें, कोई काम करें, बहुत सेवा है करने के लिए। तुम बोलेंगे खाली हैं क्या करें क्या, कभी बालकनी में जाओगे, कभी अंदर आओगे, कभी टीवी चलाओगे, कभी फोन उठाओगे, पागल ही हो जाओगे, क्योंकि घर में अकेले हो सारा दिन। अरे आज कोई घर में था ही नहीं, दिमाग खराब हो गया। क्यों? कोई नहीं था, उल्टा आनंद हो गया, बैठ जा समाधि में, कोई हिलाने वाला ही नहीं, खाने पीने की भी होश ना रहे, मजा आ जाएगा, बैठ जा अपने प्यारे से तार जोड़ के। अपने अंदर भी तो कुछ होवे ना, है ही बीमारी बहिर्मुखता की, पूरा समय स्वाद चखा ही नहीं है अंतर्मुखता का, तो क्या बात बने? अंतर्मुखी सदा सुखी। भाई कोई घर में होता है तो बुलाता है, उठ खाना खा ले, पानी पी ले, चाय पी ले, दरवाजा खोल दे, ये कर दे, वो यही नहीं, तैयार हो जाओ, आज तो समाधि भंग करने वाला ही कोई नहीं है, आज मैं देखता हूं कौन उठाता है मुझे,
फिर पता चलेगा मन के सिवाय कोई उठाने वाला ही नहीं। परिस्थितियों को क्या दोष, अपने आप को चेक करो, तुम हालत बदल लेंगे। दिल नहीं लग रहा, सहेली को बुला लूं, बहन को बुला लूं, मैं चली जाऊं किसी के घर, जाओ फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर कोई बात बुरी लग जाएगी, फिर रोते हुए घर आ जाओगे, बेकार मेरा दिन खराब हो गया। किसने खराब किया दिन? तूने खुद खराब किया, बाहर थोड़ी किसी ने दिन खराब किया, अपना दिन अपने आप खराब किया। गलत सोच के, गलत विचार करके, गलत धारणाएं रख के अपनी डिसबैलेंसिंग की है। बाहर किसी को क्या कहेंगे? अब परिस्थिति तो चाहो उसको अपने अनुकूल ढाल लो। रोज बताया जाता है दूध वाला दूध दे जाता है, कच्चा भी है फीका भी है। अब आपकी मर्जी है आप उस दूध से क्या करते हो। चाय बनाओ, कस्टर्ड बनाओ, खीर बनाओ, मेवे डाल के, उबाल के, मिश्री डाल के दूध पियो, आपकी मर्जी है। वो तो दे गया रॉ दूध, अब आप देखते हो आपने इसका क्या करना है। परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग ढालना, ये आर्ट हमको आनी चाहिए। हम ढाल पाए ना परिस्थिति को। अब आप रो रहे हो एकांत है, और महापुरुष तो दुनिया की भीड़ छोड़ के एकांत में जाते हैं जानबूझ के, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो ढूंढते हैं एकांत। आप कहते हो आज स्वाद नहीं थी चीज, महापुरुष तो अस्वाद भोजन खाते हैं, मधुकरी में जितना कुछ मिलता है सारा मिला के खा जाते हैं, टेस्ट ही ना आने पाए किसी चीज का, जो मिलता है सारा मिक्स कर देते हैं, दाल होवे, चावल होवे, सब्जी होवे, जो होवे सारा कुछ मिला के खा जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है सिर्फ शरीर को जीने के लिए भोजन देना है, जबान के स्वाद का क्या करना। मतलब उन्हीं परिस्थितियों को पॉजिटिव माना जा सकता है ना, बनाया जा सकता है ना, अगर हम कोशिश करें तो। पर हम वैसी कोशिश नहीं करते, हम या तो करते हैं शिकायत या फिर बदलना चाहते हैं, एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। परेशानी तो यही है, हर कोई इस आस में है शायद ऐसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ये परिस्थिति बदल जाएगी तो ठीक हो जाएगा। सबके दिमाग में ये बात भरी रहती है, जबकि ऐसा है नहीं। ये सोचना ही अपने आप में गलत है, ये विचार ही अपने आप में गलत है। क्यों ऐसी सोच रख के चलते हो भाई? गुरु ने अभी समझा दिया तो फिर तुम अपने आप को ठीक कर लो ना। ये मान लो एक सिद्धांत, परिस्थितियां सब ठीक हैं, बस मुझे अपने आप को बदलना है। कहीं तुम अहंकार की मार खा रहे हो, कहीं मोह की मार खा रहे हो, कहीं इच्छा की मार खा रहे हो, दोष देने समय को भी दोष क्या देना, प्रॉब्लम अपनी भी तो है। अब आप अपनी ममता नहीं छोड़ पाते तो फिर मेरे वालों की मारें खानी पड़ती हैं। कारण भी तो देखो ना, कभी अलग होके देखो तो पता चलेगा तेरी ममता ही तुझको रुलाती है, तेरी इच्छा भटकाती है। बहुत कुछ है ऐसा जो तेरे भीतर का ही तेरा दर्द बना हुआ है, और तुम कह रहे हो बाहर, बाहर तो कोई बात ही नहीं।
बाहर तो परमात्मा की जो सृष्टि है बहुत अच्छी है। देखो एक है ईश्वर सृष्टि, एक है जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि में कोई दुख नहीं है, लेकिन जीव सृष्टि में सुख दुख के झूले हैं। जो तुमने अपनी सृष्टि बनाई ना, मैं और मेरा, जो इन मेरे वालों से उलझे, इस सृष्टि में दुख है ना, ईश्वरीय सृष्टि में दुख कहाँ है? ईश्वरीय सृष्टि में कोई परिस्थिति कहाँ है? ये सब कुछ जीव सृष्टि में तुमने मान रखा है मेरा, फिर उनसे कनेक्शन, फिर उनके करंट, फिर वो गलत होते हुए भी गलत नहीं दिखते। मुंह अंधा करता है ना, गंदारी थोड़ी अंधी थी, सारी माएं अंधी। मुंह में गलत होते हुए भी वो गलत नहीं दिखते, और मान लो गलत दिख भी जाए, हिम्मत नहीं आती गलत का साथ ना दूं। तो कई परिस्थितियां क्रिएटेड है ना अपनी कमजोरियों के कारण। मुंह के आगे कमजोर हैं, इच्छा के आगे कमजोर हैं, अहंकार के आगे कमजोर हैं। बैलेंस कहां बैठ पाएगा? जब तक मन डिसबैलेंस्ड है, बाहर बैलेंस कहां बैठ पाएगा? आप बात ये भी तो समझो ना, तराजू में ही खोट है, ठीक चीज तो ली नहीं सकती। कभी देखा होगा दुकानदार को, सब्जी वाले को, खाली तराजू को बैलेंस करते रहते हैं बीच बीच में, दोनों पलड़े ना सेट करता है। हम इंतजार ही करते हैं, भैया चीज दो, बोलता रुको तराजू सेट करने दो। पहले तो तराजू ही सेट करना पड़ता है। तराजू ही सेट नहीं है अगर, कैसे काम बनेगा? पत्थर भी ठीक है, चीज भी ठीक है, पर पहले तराजू भी तो ठीक होवे। मन का तराजू है गड़बड़। अब आप अंदर और बाहर बैलेंस बिठाना चाहते हो, तराजू में ही कांड है। पहले तराजू ठीक करो, तराजू के पलड़े बराबर नहीं है। और कोई कोई दुकानदार बेईमान होता है, जिस तरफ उसने चीज रखनी होती है नीचे चुंबक लगा देता है, पलड़ा जल्दी झुके और चीज कम तौली जाए। तुम क्या करके बैठे हो? मोह, इच्छा, अहंकार, तुम्हारे तराजू में वैसे ही डिसबैलेंस है, ऊपर से तुमने पत्थर लगा रखे, इसीलिए तो तौल ठीक नहीं आ रहा। सोचो जब से पैदा हुए हो जीवन में तालमेल बिठाने लगे, बैठा ही नहीं, बचपन से नहीं बैठा। तेरा मन है खेलने का, मां कहती है दूध पी। तेरा मन है खेलने का, मां कहती है पढ़। तेरा मन है आजाद रहने का, पर नौकरी करनी पड़ती है। तेरा मन है जिम्मेवारी ना उठाने का, पर शादी करी है तो बोझ उठाने पड़ते हैं। बचपन से तो गड़बड़ हो रही है। कभी सोचा है डिसबैलेंस है कहां? मन में डिसबैलेंस है। हम कभी सेंटर पॉइंट पे खड़े हो ही नहीं पाए कि हम दोनों परिस्थितियों को समझ पाए और तालमेल बिठा पाए। शादी के बाद अक्सर लड़के वो सैंडविच का बटर बनते हैं, इधर से माँ इधर से बीवी। अब बीवी में नया नया आकर्षण है, माँ इग्नोर हो जाती है। मामाज पेट है, मामाज बॉय है, बीवी इग्नोर हो जाती है, झगड़ा होता है घर में। डिसबैलेंस उसके अंदर है। माँ को झुक रहा है तो माँ की तरफ ही झुकता जा रहा है, बीवी को समझ ही नहीं रहा। अगली भी तो घर बार छोड़ के आई तेरे लिए।
अब बीवी के जाल में फंसा तो ऐसा फंसा, भूल गया माँ ने भी तो जन्म दिया है, तेरा उसके प्रति भी कोई फर्ज है, तो उसके पीछे ही दीवाना हुआ जा रहा है। डिसबैलेंस उसके अंदर है ना, कलेश घर में। डिसबैलेंस अपने अंदर होने से कलेश घर में। अब कहेगा शाम को घर जाने का दिल ही नहीं करता, माँ अपनी बोलती है, बीवी अपनी बोलती है, नरक बना रखा इन लोगों ने घर। नरक उन्होंने नहीं बना रखा, तुझे बैलेंस बिठाना नहीं आ रहा दोनों के बीच, और इम्बैलेंस अपने आप में नरक है। बराबरी से चल, पक्षपात रह तो के चल, उसकी जगह उसको दे, उसकी जगह उसको दे, तेरा घर स्वर्ग हो जाएगा। कई बच्चे खेलने में ही लगे रहते हैं, पढ़ाई में फेल। कई पढ़ाई में ही लगे रह जाते हैं बेचारे, जीवन में कभी बाहर झांक के देख ही नहीं पाते, बाहरी दुनिया भी कोई चीज़ है, एंजॉय ही नहीं किया कभी लाइफ को। दोनों गड़बड़ हो गई, दोनों अतियां खराब हो गई। बैलेंस करना था, 4 घंटे पढ़ाई को दिए तो आधा घंटा खेलने को भी देना था, हंसने बोलने को भी देना था, यार दोस्तों को भी देना था, टीवी को भी देना था, बैलेंस बनाना था ना। एक खाना बनाते तो आप लोग बैलेंस करते हो, तवा ज्यादा गर्म हो जाए स्लो नहीं करते, रोटी जलने लगेगी। पूड़ियां तलते हो, तेल ज्यादा गर्म हो जाए बीच में कम नहीं करनी पड़ती आंच, फिर कम आंच पे तलते तलते फिर बढ़ानी पड़ती है, फिर पूड़ी फूलनी बंद हो गया, तेल ठंडा हो गया, 2 मिनट हाथ भी रोक लेते हैं। बिठाते हो बैलेंस? नहीं बिठाते। फिर जीवन में बैलेंस तो बिठाना होगा ना, कैसे काम बनेगा? ईश्वर की दरबार में भी आते हो, यहां भी बैलेंस बिठाना पड़ता है, यहां भी सौंपना पड़ता है। वो एक आदमी ने कौतुक दिखाया, एक रस्सी पे चला, नट होते हैं ना, रस्सी पे चला, बड़ी तालियां बजी, बड़ा खुश हुए। वो कहने लगा, आप सबको विश्वास है मैं दोबारा कर सकता हूं? बोला हाँ, सबने बोला है। बोला पक्का? बोला बिल्कुल पक्का, इतना अच्छा तू अभी चल के आया, चल सकता है। कहता है लाओ अपना कोई बच्चा दे दो, उसको उठा के चलता हूं। अब सबने आंखें नीचे कर ली। उसने बोला देखो, तुम सब मानते हो पर ट्रस्ट नहीं करते, यही तुम्हारी भगवान से आदत है, मानते हो उसको पर ट्रस्ट नहीं करते हो। ट्रस्ट करना फर्क बात हो जाती है, मानने में क्या है, गुरु को भी मान लेते हैं लोग, ट्रस्ट कितने लोग करते हैं उसको। ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, मानता तो हम देखा देखी मान लेते हैं किसी को, 4 लोग कह रहे हैं हम तो ही मान लेते हैं, ट्रस्ट अंदर से उठता है। और वो ट्रस्ट जो है वो 5 प्यारों को भी खड़ा कर देता है, ट्रस्ट है गुरु में कि अगर गर्दन भी काट रहे हैं तो इसमें भी भलाई है ही, गर्दन उनकी काट ले, ट्रस्ट है। ये जो भाग गए, मानते तो थे नानक को, गुरु गोविंद सिंह जी को मानते तो थे, गुरु साहब की सेवा में तो रोज आते थे, कई होंगे सेवादार आशिक, कई होंगे, सारे भाग गए, ट्रस्ट कितनों के अंदर था? बात तो ट्रस्ट की है। आप एक्सपीरियंस करना, ट्रस्ट के मामले में मन कमजोर रहता है। कोई कोई होता है जो ट्रस्ट कर पाता है और बैलेंस उससे बनता है, नहीं तो यहां भी लोग इम्बैलेंस दिखेंगे आपको, आ भी रहे हैं बैठ भी रहे हैं पर फिर भी थाली के बैंगन है, फिर भी पूरी श्रद्धा नहीं है,
फिर भी पूरे माया रहित नहीं हो पा रहे क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है। जिस पे ट्रस्ट होगा हम उसी के नाम पे तो दाव खेलते हैं सारे। ट्रस्ट नहीं तो दाव कैसे खेलोगे? फिर मन कहीं ना कहीं कहेगा जो मेरे को ठीक लग रहा है, जो मेरी सोच है, जो मैं चाहता हूं, फिर मन उसमें आ जाता है। यहां भी बैलेंस नहीं बनता, हालतें कहीं टेढ़ी नहीं है, बैलेंस अपना होना चाहिए। अब इतनी परीक्षाएं लेने की ले डाली गुरु नानक जी ने, पर उसकी भक्ति में बैलेंस है, ट्रस्ट है पूरा। मुर्दा खाओ तो खाओ, थला बनाओ बिगाड़ो तो बनाओ बिगाड़ो, मेरा की ट्रस्ट करता है वो उनको। जो गुरु में को ट्रस्ट करता है उसकी भक्ति में बैलेंस होता है, वरना यहां भी बैलेंस नहीं आएगा। फिर सोचोगे वो संत क्या सुना रहा है, वो क्या सुना रहा है, वो तो ऐसे कह रहा है, वो तो वैसे कह रहा है। अपना ट्रस्ट है, हो सकता है चार जगह से गुरु की निंदा भी सुन लो, क्योंकि जो तुम्हें अपना बना के रखना चाहेगा वो तुम्हें निंदा भी करेगा, उनके पास नहीं जाना, वो ऐसे वो वैसे, ऐसा भी बोल सकते हैं। तुम्हारा अपना ट्रस्ट होना चाहिए, नहीं तुम्हारी भक्ति भी डोल सकती है, परमात्मा भी परीक्षा ले सकता है। भाई मंज के घर नहीं पीर की चौकी लगती थी, पीर ने कैसे सब तहस नहस कर दिया, लेकिन वो गुरु साहब पर एतबार करके चलता रहा। गांव से निकलवा दिया, शहर के बाहर रहने लगा, फिर गुरु ने परीक्षा ले ली, 21 रुपए मंगवा लिया ही नहीं, बीवी को किसी के यहां नौकरानी रखा, बेटी को रखा, गुरु को पैसे भेजे, फिर गुरु ने खबर भेज दी तू आ जा, परवाह ही नहीं की किसी की, चला गया उनकी हजूरी में। ट्रस्ट था, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। यहां पर एक ख्याल भी शंका का है तो तुम ट्रस्ट नहीं करते हो, तो मत सोचना परिस्थितियां बदलनी है, अपने भीतर के बैलेंस को खोजना। जिस दिन अंदर बैलेंस आ गया बाहर बैलेंस ही बैलेंस है। आई बात समझ में?